हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। की प्यारी फैमिली फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगी। तो जैसे कि आप सबको पता है, गर्मी का मौसम है, लू चल रही हैं, गरम गरम तेज हवाएं थपेड़े मार रही हैं, तो ऐसे में तो ठंडक तो बनती है। और ठंडाई के लिए हम लेके आए हैं अपने शरीर को कूल रखने के लिए, एसी कूलर तो सभी चलाते हैं, तो क्यों ना कुछ पीने की बात की जाए। तो हम लेके आए हैं बेल का पत्र, पत्रिका जो जूस है वो लेके आए हैं। और देखिए, हमने एक बेल पत्र लिया, उसको कट कर लिया और उसके अंदर से हमने ये अंदर से सारा निकाल दिया है, जो इसका इसके अंदर जो मेन इसका पार्ट है, गुदा है, और इतना सख्त नहीं होता, चाकू से इजीली निकाल दिया है। और उसको ना बीज वगैरह ऐसे रखेंगे, उसके बाद इसे मिक्सी में पीस लेंगे। तो देखिए, सबको पता है वैसे तो कि बेलपत्र हमारे बॉडी के लिए कितना टॉक्सिक एकदम काम करता है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम वगैरह भरपूर मात्रा में होते हैं। तो यही चीज़ एक ऐसी नहीं है, इसको गर्मी में भी बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़ किया जाता है। जैसे आप सबको पता है कि बेल की तासीर ठंडी होती है, तो गर्मी में बॉडी को कूल रखने के लिए इससे अच्छा बेहतर ड्रिंक हो ही नहीं सकता, और औषधि के गुणों से भरपूर भी है। तो जिन लोगों को यूरिक एसिड हाई होने की परेशानी रहती है, वे भी इसको मतलब यूज़ कर इसको ले सकते हैं। तो कंट्रोल रखता है एसिड को, और बीपी, शुगर, ये सब जो नॉर्मली हमारी बीमारियां होती हैं, परेशानी होती हैं, उसमें भी आराम देती है, बॉडी को पूरा कूल रखती है। तो जब देखिए, अब हमने ये इसको बिल्कुल पूरा निकाल लेंगे, और इसमें ऐसा नहीं है कि हम इसे अलग अलग करके रखेंगे, बहुत ही ईजिली निकल जाएगा, बीज वगैरह सब इसी के अंदर हम एक साथ इसको फैट लेंगे। और उसके बाद इसमें कुछ एक्स्ट्रा डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि हम इसमें ड्राई फ्रूट डालें या हम इसमें कुछ और चीज़ें डालें, कोई ज़रूरत नहीं है। खुद ही अपने आप में इतना पौष्टिक है, इतनी ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर है कि हमें कोई और चीज़ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बस इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको मॉर्निंग में लेना है, और अगर आप खाली पेट ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जिनको थोड़ी सी दिक्कत ये होता है कि भाई शुगर वगैरह डाउन होता है, या जिनको बीपी लो होता है, वो तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको इवनिंग में बिल्कुल भी ना लें, मॉर्निंग में ही लें, क्योंकि इसका तासीर बहुत ठंडा होता है। और आपको पता है कि जैसे दादी नानी के टाइम में जो बताते थे कि जब कोई चोट वगैरह लग जाती थी, हड्डी वगैरह टूट जाती थी, तो इसके पत्तों का यूज़ होता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना औषधीय से भरपूर है ये, इसका पत्ता भी और ये सब गुदा और गुठली सब चीज़ इसकी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मैं इसे थोड़ा सा मैश कर लूँगी, और देखिए हाथ से ही करना पड़ेगा क्योंकि इसके बीच में ना बीज होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा मैश करके उसके बाद इसे आप मिक्सी में करेंगे तो सारे बीज पीस जाएंगे। तो मिक्सी में मत पीसना है, मैं इसको ऐसे ही फैट करके दो चार बार इसको ऐसे करूँगी और बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद इसमें 2-3 चम्मच में डाल दूँगी चीनी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, बिना चीनी के भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी आप इसमें इलायची भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा टेस्ट बन जाए। क्योंकि ना थोड़ा सा बकबका सा लगता है, तो हम तो पी लेते हैं, मतलब बड़े लोग तो पी लेंगे, लेकिन जहाँ बात आती है छोटे बच्चों को पिलाने की, तो थोड़ा सा ना नोकर करती है, तो लेकिन ऐसी कोई वो नहीं है, रीज़न इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप इसमें थोड़े शुगर डालिए, थोड़ा सा इसको और टेस्टी बना दीजिए, इलायची वगैरह डाल दीजिए इसमें बहुत बढ़िया करके, और इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आ जाएगा। मिक्सी में मैं नहीं डालूंगी क्योंकि ये इसके जो बीज है ना वो पिस जाएंगे, फिर इसमें कड़वापन आ जाएगा। तो दोस्तों, बस ऐसे ही करना है, मैंने मैशा से ही इसको थोड़ा सा पहले हाथ से किया था, क्योंकि उसकी जो बीज वगैरह थी वो मैंने लेके आई, और उसके बाद देखिए कुछ इस तरह से ये सब साइड में आ जाएगा। और मैं बड़ी वाली छलनी से, जो हमारे जूस वाली छलनी होती है, उससे निकाल के इसके बीज वगैरह गुदा थोड़ा सा जो रहते हैं रेसे से, वो बाहर आ जाएंगे और जूस एकदम परफेक्ट बन करके हमारा आ जाएगा। तो देखिए, कहा जाता है कि 30 दिन तक रोज़ाना बेल का जूस पीने से लू और धूप से आप बच सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा इसका यूज़ सेवन करने से भी ना किसी किसी को दिक्कत आ जाती है, जैसे कि पेट में कब्ज़ हो जाता है या फिर कुछ और दिक्कत आ जाती है। तो ज़्यादा भी यूज़ ना करें, अगर कभी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप अपने फिजिशियन से इजीली आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये आराम से पचता है, डाइजेस्ट होता है, उन लोगों के लिए बहुत ही रामबाण है दोस्तों। तो गर्मियों का मौसम है, ये ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ज़्यादा भी नहीं तो वीकेंड में 3-4 बार ज़रूर लें, और अपने आप ही रिज़ल्ट आपके सामने पॉजिटिव ही आएगा। और ये देखिए, मेरा रेडी हो चुका है, मैंने मिक्सर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, आप भी नहीं करना क्योंकि फिर इसमें कड़वापन आ जाएगा, कसीलापन आ जाएगा। तो दोस्तों देखो, मेरा जूस हो चुका है रेडी, और इसे हम मॉर्निंग में ही पियेंगे क्योंकि रात में इसे बिल्कुल नहीं पीना, ठंडा इतना होता है ये। तो जॉइंट पेन वगैरह जो होती है, जिनको दिक्कत होती है, उनके लिए
बहुत ही हानिकारक हो जाएगा। और मैंने लास्ट में डाल दिया है इसमें एक चम्मच शहद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, तो इससे इसमें और भी बहुत बढ़िया आ जाएगा। और थोड़ा सा डाल दिया मैंने काले मिर्च का पाउडर, पिसी हुई थी तो अब मैंने डाल दिया। तो आप भी इन तीन चार चीज़ों को मिला करके जो उसको बहुत ही टेस्टी बना सकते हैं। काले मिर्च अपने आप में एक बहुत ही कहते हैं ना कि प्लस काम करता है किसी भी चीज़ के लिए। तो ये देखिए मेरा जूस हो चुका है रेडी। तो गर्मी में लू से बचने के लिए इससे बेहतर कोई और ड्रिंक हो ही नहीं सकता। तो एक बार बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे मेरे जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपने आपने ये मतलब ट्राई किया है कभी या नहीं किया, और करा है तो कैसे किया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।